संसार और अध्यात्म, संसार और परमात्मा दो महत्वपूर्ण आयाम हैं मनुष्य के जीवन के। मनुष्य पूरे जीवन या तो संसार में उलझा रहता है या फिर आत्मा परमात्मा की बातों में लग जाता है। ये दो ही आयाम हैं मनुष्य के जीवन के। और कभी कभी लगता है कि संसार और परमात्मा दोनों अलग अलग आयाम हैं जीवन के। व्यक्ति कहता है अभी तो हम संसार में उलझे हुए हैं, संसार से मुक्ति मिले तब परमात्मा में ध्यान लगाएंगे, तब परमात्मा की सोचेंगे, तब परमात्मा की बात करेंगे। लेकिन मैं आपसे कहना चाहता हूँ बहुत महत्वपूर्ण सत्य, आपका जीवन दो आयामों में है, एक तो शरीर और दूसरा आत्मा। शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना भौतिकवाद है और आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करना अध्यात्मवाद है। आपके लिए शरीर भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है आत्मा। तो आपके लिए शरीर की आवश्यकताओं को पूरा करना भी उतना ही जरूरी है जितना जरूरी है आत्मा की आवश्यकताओं को पूरा करना। अगर दोनों में से एक की उपेक्षा कर दी आपने, अगर शरीर की उपेक्षा कर दी तो आत्मा शरीर रूपी घर में रहती है, फिर शरीर की उपेक्षा कर दी आपने तो आत्मा का स्वस्थ हो पाना, आत्मा को आनंद से आपूरित हो पाना संभव नहीं है। मैं तो यहाँ तक कहूँगा कि अगर शरीर की उपेक्षा कर दी आपने तो आत्मा की उपेक्षा हो गई, और आत्मा की उपेक्षा कर दी आपने, जब आत्मा का ही ध्यान नहीं दिया आपने तो शरीर तो मुर्दा पड़ा रहेगा आत्मा के बिना, वो भी एकांगी जीवन होगा, उसमें भी आप आधा जिंदा आधा मुर्दा ऐसी स्थिति में होंगे। इसलिए स्वस्थ व्यक्ति वही है जो शरीर और आत्मा दोनों को एक ही समझे, दोनों एक ही अस्तित्व के दो छोर हैं, एक ही वस्तु के दो छोर हैं। जो सूक्ष्म रूप है वह है आत्मा, आत्मा का स्थूल रूप शरीर में प्रकट होता है, शरीर का सूक्ष्म रूप आत्मा में प्रकट होता है। शरीर और आत्मा दोनों अनिवार्य हैं, इसलिए संसार और परमात्मा दोनों एक दूसरे से अलग नहीं किए जा सकते हैं। वास्तव में परमात्मा कोई व्यक्तिवाची इकाई नहीं है, परमात्मा व्यक्ति नहीं शक्ति है, और वह शक्ति अपने को इस अस्तित्व के रूप में, संसार के रूप में प्रकट किए है। जैसे नर्तक को नृत्य से अलग नहीं किया जा सकता, ऐसे ही ये संसार परमात्मा का नृत्य है। नाचता हुआ परमात्मा इस संसार में प्रकट होता है, अभिव्यक्त होता है, यानी तुम ही उसकी अभिव्यक्ति हो, कोई अलग से नहीं है परमात्मा। इसीलिए बड़ी मुश्किल होती है, इसीलिए स्वयं को जानना ही परमात्मा को जानना है, और स्वयं को जानना इसीलिए कठिन हो जाता है, बहुत कठिन हो जाता है। क्यों? जैसे आँख सबको देख सकती है लेकिन स्वयं को देख पाना आँख के लिए संभव नहीं है। दूसरे को देख लेना तो संभव है, दूसरे को जान लेना तो संभव है, दूसरे को समझ लेना तो संभव, लेकिन स्वयं को देख लेना, स्वयं को जान लेना, स्वयं की प्रतीति कर लेना आसान नहीं है, बहुत कठिन है। अगर तुमको लगता है कि तुमने परमात्मा को जान लिया है तब निश्चित रूप से तुम भूल में हो, क्योंकि परमात्मा इतना विराट है, उसका स्वरूप अनंत है। इसलिए जिसको तुमने जान लिया, जिसकी तुमने थाह ले ली, जिसको तुमने नाप लिया, वो परमात्मा हो ही नहीं सकता है, वो कुछ और ही होगा जिसको तुमने परमात्मा समझ लिया है। वो इतना विराट है, इतना अनंत है उसका स्वरूप, और तुम उसके एक धूल जैसे कण से भी छोटे हो, तो उस विराट को, उस अनंत को जान पाना तुम्हारे लिए
संभव नहीं है, सरल नहीं है। निश्चित रूप से तुम भ्रांति में होगे, तुमने किसी ताल तलैया में डुबकी लगा ली होगी और तुम्हें भ्रम हो गया कि तुमने परमात्मा को जान लिया है, तुम परमात्मा के सागर में डुबकी लगा कर आ रहे हो। लेकिन समझ के बढ़ने के साथ साथ परमात्मा की प्रतीति बढ़ती है, सिर्फ समझ से बढ़ती है, समझ के अलावा और कोई दूसरा रास्ता नहीं है।